आप भी चाहते हैं कि आपका घर हमेशा खुशबूदार बना रहे? तो कीप ऑन वॉचिंग। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और मजे में होंगे। घर में हमेशा फ्रेशनेस, एक खुशबू बनाए रखने के लिए हमारे घर में अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो हमें आधे घंटे के लिए एटलीस्ट अपना विंडोज और डोर्स ओपन कर देने चाहिए, और अगर हम सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, जो कि फ्रेश एयर जितनी भी है घर के अंदर आए, सनलाइट घर के अंदर आए। कई बार ऐसा होता है कि जो मैट्रेसेस होते हैं उसमें से भी स्मेल आने लगती है, तो उसको सनलाइट चाहिए होती है। आप अपने गद्दों को सनलाइट दें, फर्नीचर को सनलाइट दें, तो सनलाइट होनी मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारपेट्स जब हमारे थोड़े पुराने हो जाते हैं और अगर उन पर ज़्यादा उठना बैठना है, या फिर हमारे घर पे पेट्स हैं एंड ऑल्सो ड्यूरिंग रेनी सीजन उनमें हल्की सी स्मेल आ जाती है, तो उसकी स्मेल को हटाने के लिए बेकिंग सोडा बहुत अच्छा काम करता है। सिंपली आपको बेकिंग सोडा पूरे कारपेट पर स्प्रिंकल कर देना है और उसको कारपेट पर रहने दीजिए हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही। देन आफ्टर हाफ एन आवर आप सिंपली वैक्यूम कर दीजिए अपना कारपेट। वैक्यूम करने के बाद आपका कारपेट एकदम क्लीन हो जाएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी उसमें से। मतलब खुशबू तो नहीं, एक जो ऑडर होता है वो गायब हो जाएगा आपके कारपेट में से, और एकदम क्लीन क्लीन लगेगा, फ्रेश फ्रेश। और इस वीडियो में मैं आपको जो टिप्स दूंगी जिससे आपका घर अमेजिंग स्मेल करेगा, वो सारे टिप्स कब काम करेंगे? जब आप अपने घर को क्लीन रखेंगे। क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपनी क्लीनिंग मेंटेन कीजिए घर की, तो ही आपका घर एकदम फ्रेश फ्रेश अमेजिंग स्मेल करेगा। प्लांट्स का तो हम सब जानते हैं कि वो एक नेचुरल होम फ्रेशनर है। अगर हम उन्हें अपने घर में रखेंगे तो वो नेचुरली हमारे घर में एक फ्रेशनेस देंगे और एक अच्छी सी खुशबू देंगे। और ऐसे बहुत सारे एयर प्योरीफाइंग इंडोर प्लांट्स हैं जो घर की एयर को क्लीन करते हैं, तो आप इंडोर प्लांट्स घर में रखिए। और अगर आपकी बालकनी है, गार्डन है, तो वहाँ पर फ्लावर्स वाले प्लांट्स रखिए। सारे ना बहुत अच्छी खुशबू देंगे और फ्रेशनेस देंगे, और ऑक्सीजन लेवल तो वो बढ़ाते ही हैं। तो प्लांट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है घर को अच्छे से खुशबूदार रखने के लिए। मैं अभी सारे प्लांट्स आपको बाहर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कनाडा में अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और प्लांट्स ना मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। बेकिंग सोडा की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो जो भी ऑडर होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आपकी फ्रिज में से खाने की कोई स्मेल आ रही है या किसी भी तरह का ऑर्डर है, तो उसका एक सिंपल तरीका है, आप किसी भी बोल में या जार में ऐसे बेकिंग सोडा डालिए और उसको अपने फ्रिज के अंदर रख दीजिए, वो सारा का सारा ऑर्डर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम गोज विद कॉफ़ी। कॉफ़ी भी एक बहुत अच्छा एक सोर्स है जो अपने अंदर ऑर्डर एब्जॉर्ब कर दिया है, तो आप बेकिंग सोडा की जगह कॉफ़ी भी रख सकते हैं अपने फ्रिज के अंदर, ऐसे किसी बोल में या फिर किसी भी ओपन जार हो आपके पास, खोल कर रखना है, वो सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा स्मेल, और आपकी फ्रिज जो है एकदम फ्रेश फ्रेश स्मेल करेगी। कभी कभार प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं उसमें खाने की स्मेल रह जाती है, इवन हम उसे वॉश कर लेते हैं अच्छे से तब भी रह जाती है। तो उस स्मेल को हटाने के लिए जो एक लेमन है उसको स्क्वीज़ कीजिए कंटेनर्स के अंदर, और लेमन स्क्वीज़ करने के बाद उसको वार्म वाटर से फिल कर देना है हमें कंटेनर को। लेमन एंड ऑरेंजेस की तो खुशबू ही इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है, और जो लेमन है वो इस तरह का किसी भी तरह का ऑर्डर हटाने में एक बहुत अच्छा हमारे पास सोर्स है। वार्म वाटर ऐड करने के बाद इसको हाफ एन आवर के लिए ऐसा ही रखा रहने दीजिए, एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर आप इसको भी अच्छे से डिश वॉशर से क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है अपने घर को अमेजिंग स्मेल कराने के लिए। आपको सिंपली लेना है डिफ्यूज़र, और उसमें पहले तो हम पानी फिल कर देंगे, और पानी फिल करने के बाद आप जो भी आपका फेवरेट एसेंशियल ऑयल हो आप उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दो पानी उसकी एसेंशियल ऑयल की। अभी मैं यहाँ लेवेंडर थोड़ा सा ड्रॉप्स डालूँगी लेवेंडर ऑयल की,
और फिर घर खुशबू से महक जाएगा। जब भी आपके घर कोई गेस्ट आने वाले हों या फिर कोई अनप्लेजेंट स्मेल हो घर में, तो आप ये डिफ्यूज़र यूज़ कीजिए। आपका घर ना इतनी खुशबू खुशबू हो जाएगी ना आपके घर में, और एकदम रिलैक्स करने वाला माहौल बन जाएगा। और इसको लगाने के बाद आप स्किन केयर करो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, एकदम ऐसा लगता है हम स्पा में बैठे हैं। बस अपने सारे काम निपटाने के बाद ये डिफ्यूज़र ऑन करो और रिलैक्स करो। एसेंशियल ऑयल की फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी होती है ना, तो इसको हम अपनी कबर्ड को भी महकता हुआ रख सकते हैं। तो आपको आपकी फेवरेट एसेंशियल ऑयल लेना है कोई सा भी, यहाँ मैं पेपरमेंट ले रही हूँ, और उसको सिंपली कॉटन में कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए उस एसेंशियल ऑयल के, और उसको अपनी कबर्ड के अंदर रख दीजिए। कोने कोने में भी रख सकते हैं आप कबर्ड के अंदर, और फिर आपकी कबर्ड भी हमेशा अमेजिंग स्मेल करेगी। किचन की ऑर्डर ख़त्म करने के लिए और किचन को हमेशा फ्रेश स्मेल करने के लिए आपको चाहिए एक लेमन। लेमन के स्लाइसेस कट कर लीजिए और एक पैन लीजिए, उस पैन को पानी से भर दीजिए, हाफ भर दीजिए पानी से, और फिर उसके अंदर हम ये लेमन स्लाइसेस ऐड कर देंगे। एक सिनेमन स्टिक और कुछ क्लॉव्स ऐड कर देंगे। आप चाहो तो अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हो कुछ ड्रॉप्स, और इसको थोड़ा सिमर होने देंगे, और फिर देखना आपका घर इतनी खुशबू से भर जाएगा ना, जो भी आपके पास आएगा घर के अंदर, बाहर से कोई आ रहा हो या फिर फैमिली मेम्बर्स तक आपसे पूछेंगे कि घर में इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। मुझे सेंटेड कैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और एक बेस्ट ऑप्शन है घर को अमेजिंग स्मेल कराने के लिए, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको कुकिंग के साथ ना करें, अलग से करें। कुकिंग जब हो जाए आपकी तब इसको लगाएं कैंडल को। मुझे जब रिलैक्स करना हो या फिर कोई मेहमान आ रहे हो बाहर से, तभी मैं कैंडल्स लगाती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली इंस्टा पर रील देखी थी कि अगर आप बल्ब पर ना एसेंशियल ऑयल रब कर दो तो उससे भी आपका घर में खुशबू खुशबू हो जाती है, और ये सच में काम कर रहा है। मैंने बल्ब पर लगाया तो सच में पूरा घर महक रहा है खुशबू से। जब भी मैं अपने कपड़े वॉश करती हूँ और उन्हें तय कर कर क्लॉजेट के अंदर रखना होता है, तो मैं अपने कपड़ों के अंदर कुछ ड्रॉप्स ना अपने फेवरेट परफ्यूम के लगा देती हूँ। इससे ना जब भी कबर्ड खुलती है तो एकदम से खुशबू खुशबू महकती है, पूरा रूम खुशबूदार हो जाता है। और आजकल मार्केट्स में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ना, ये है एक एयरविक से तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसे हम अपने घर में लगाते हैं, रूम्स में लगाते हैं, हॉल, किचन, इवन वॉशरूम भी। तो वॉशरूम में भी ये कभी भी वॉशरूम में से आपकी स्मेल नहीं आएगी, ये इतना अच्छा काम करता है। तो आप ये सारे ऑप्शंस भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, घर में एक अच्छी सी फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए। किचन सिंक को क्लीन करने के बाद एंड नॉर्मली 2 से 3 दिन में अगर आप इसके अंदर भी कुछ ड्रॉप एसेंशियल ऑयल के डाल दो, तो आपका सिंक भी हमेशा अच्छा स्मेल करेगा, एकदम फ्रेश फ्रेश रहेगा आपका सिंक भी। पहले गर्म पानी, उसके बाद एसेंशियल ऑयल डाल दें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।